हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में साइंस एक्सरसाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन है कंपैरिजन इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है स्टिम्यूलस। स्टिम्यूलस मीन्स होता है उद्दीपन, उत्तेजना, जिसके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। सेकेंड है आपका हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी, मतलब कि दूसरों पर आश्रित होना, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित होना। आउटोट्रॉप्स। आउटोट्रॉप्स मीन्स होता है स्वपोषी। स्वपोषी अर्थात अपने पोषण के लिए खुद पर ही डिपेंड है। जैसे प्लांट्स अपने भोजन के लिए वो खुद पर ही डिपेंड होते हैं, अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है? विकास। मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है गति, हिलना डुलना। ओके, सेवरल। सेवरल मीन्स होता है भिन्न। न्यूमेरस। न्यूमेरस मीन्स होता है बहुत से। एडोलसेंट मीन्स होता है किशोर। किशोर मतलब युवक, युवक कालीन। ठीक है, आगे है आपका पैरासाइट्स। पैरासाइट मीन्स भी होता है परपोषी। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच क्या डिफरेंट है, सॉरी ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंट है, मतलब उनका ग्रो तो सभी करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब ग्रो करते हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखते हैं हम लोग। एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल प्लांट कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जो एनिमल होते हैं वो एक लिमिट टाइम तक, लिमिट पीरियड तक ही वो ग्रो करते हैं। ओके, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं अपनी पूरी लाइफ में वो ग्रो करते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डू एनिमल्स मूव। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशल अंग होता है, जिसकी हेल्प से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी बुक में जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें आपको ये करना है। ठीक है, तो वो बहुत लेंथी हो जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, जो आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था मूवमेंट में है, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर प्लांट्स कॉल्ड आउटोट्रॉप्स। जो प्लांट्स होते हैं उनको आउटोट्रॉप्स हम क्यों कहते हैं, स्वपोषी क्यों कहते हैं, देखते हैं हम लोग। प्लांट्स आर कॉल्ड आउटोट्रॉप्स बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। प्लांट्स को हम आउटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं, स्वपोषी इसलिए कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उनको आउटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर एनिमल्स कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स परपोषी क्यों बोलते हैं। एनिमल तो देखते हैं इसका आंसर, एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स बिकॉज एनिमल्स को हम हेटरोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, एंड डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अनदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो जो एनिमल होते हैं अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए वो प्लांट्स पर और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिम्यूलस। आपका स्टिम्यूलस से आपका क्या मतलब है? तो स्टिम्यूलस क्या है? समथिंग दैट कॉसेस लिविंग थिंग्स टू रिएक्ट एज हीट, हर्ट, पिंच, कोल्ड, टच, लव एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टिम्यूलस का मतलब क्या है कि कोई चीज, कोई कारण जिससे जो प्राणी होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं, किसके प्रति? हीट के प्रति, हर्ट जब वो दुखी होते हैं, पिंच जब उन्हें कुछ चुभता है, कोल्ड, टच, लव, इन सब के प्रति क्या देते हैं? अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं। ओके, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स रिएक्ट टूवर्ड द स्टिम्यूलस बी इट ऑफ एनी काइंड्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो उत्तेजना की ओर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे स्टिम्यूलस किसी भी तरह का है। तो जो एनिमल हो, तो इसका आंसर है, एनिमल्स आर आइदर अट्रैक्ट टूवर्ड्स आर रिपेल फ्रॉम द स्टिम्यूलस। जानवर होते हैं जो वो उत्तेजना की ओर या तो आकर्षित होते हैं या तो उनकी उत्तेजना से वो पीछे हटते हैं। ठीक है, इसमें कहा है वो किसी भी प्रकार का हो, तो किसी भी प्रकार का मतलब अगर कोई चीज उन्हें अच्छी लगती है तो वो उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ये किसके कारण हो रहा है? स्टिम्यूलस के कारण हो रहा है। अगर वो जैसे साउंड होता है, बहुत तेज साउंड सुने तो वो डर जाएंगे ना,
वो भी एक उत्तेजना है, तो वो क्या हो जाएंगे, उससे वो पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बुक में स्टार्ट करते हैं, बुक का एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए बुक में आपका है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है, तो हम आगे चलेंगे। आगे हमारा है बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम साइड बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, जो साइड में एक बॉक्स दिया है उसमें से आपको चूज करके यहाँ पे फिल करना है, जो करेक्ट वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहला है आपका, एनिमल हैव स्पेशल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल के पास ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो आपको इस बॉक्स में क्या लग रहा है कि होना चाहिए, फूड होना चाहिए, हेटरोट्रॉप्स, मिमोसा होना चाहिए, ऑर्गन होना चाहिए, अनदर होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑर्गन। ठीक है, वो अपने ऑर्गन के, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है ना, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सेकेंड है आपका, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड फॉर देयर सर्वाइवल। जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, इन दोनों को सर्वाइव करने के, जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की। ओके, यहाँ देखिए फूड है ना, तो इसमें से जो करेक्ट मुझे लग रहा है वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा। थर्ड है आपका, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अनदर होना चाहिए। फोर है, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। इसमें से कौन है जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाता, फूड तो है, हो चुका है, ऑर्गन भी हो चुका है, अनदर भी हो चुका है, तो हेटरोट्रॉप्स और मिमोसा में से कोई एक होगा। तो हेटरोट्रॉप्स, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य पर डिपेंड होते हैं। ओके, और इसके बाद होगा यहाँ पे आपका मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा मीन्स क्या होता है, आपका छुई मुई का पौधा, जो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर आप उसको टच करते हो तो उसके प्रति वो क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वो तुरंत सिकुड़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है। आपका है सी है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके आगे आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देना है आपको, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है कि अगर करेक्ट है तो हम ट्रू रहेगा, और अगर फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है आपका, फर्स्ट है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इन अ सिमिलर मैनर। जो प्लांट्स और एनिमल है वो एक समान क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एक तरीके से विकास करते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल दोनों ग्रो करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो डिफरेंटली ग्रो करते हैं, उनका जो विकास होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिमिलर कर लिया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फॉल्स है, इनका स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, सेकेंड है, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स डू नॉट डेवलप आफ्टर गेटिंग डैमेज। जो एनिमल्स होता है उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है, यदि वो डैमेज हो जाए तो पुनः विकास कर लेता है, नहीं, ऐसा नहीं है ना कि जो एनिमल्स होते हैं अगर उनका कोई एक पार्ट्स जो है डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो उसकी जगह कोई, उसी की जगह एक नया अंग निकल आता है, ऐसा नहीं होता है एनिमल्स में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, सॉरी ट्रू होगा, ये सही, ये इसका स्टेटमेंट सही है ना कि डेवलप नहीं होता है, नॉट यहाँ दे दिया है, तो इसलिए ये सही हो गया। थर्ड है आपका, ग्रोथ इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो विकास है वो प्राणियों में एक सामान्य, एक जनरल फीचर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो ये सही है, ट्रू होगा। फोर है, मोस्ट ऑफ एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलस। अधिकांशतः जानवर जो होते हैं वो स्टिम्यूलस के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, यस, ये भी ट्रू होगा। फिफ्थ है आपका, प्लांट्स डू नॉट रिएक्ट टूवर्ड्स लाइट एंड डार्कनेस। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट्स और अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था इस पर। और इसका एक उदाहरण और क्या है, एक चंपा का फूल जो कि क्या होता है, केवल रात में ही खिलता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट्स और डार्कनेस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को देते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे करते हैं। हमारा है डी, डी है हमारा, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको
मैच कराना है, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं आपको करेक्टली इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशरूम। मशरूम क्या है? तो हम जानते हैं कि मशरूम कहाँ उगता है, आपको पता होगा मशरूम एक ऐसा प्लांट है, मशरूम एक सेप्रोफाइट प्लांट है। मशरूम क्या है? एक सेप्रोफाइट प्लांट है। सेप्रोफाइट मीन्स क्या होता है कि जो इसमें जो प्लांट होते हैं, सेप्रोफाइट को हिंदी में हम बोलते हैं मृतोपजीवी, मतलब कि जो सेप्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी मृत वस्तु से अपने भोजन को वो प्राप्त करते हैं। जैसे जो मशरूम है वो कहाँ होता है? गोबर में होता है, गधे और गाय भैंस के गोबर में ही वो उगता है। तो क्या होता है, उसमें जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे अपने भोजन को वो प्राप्त करता है। सेकंड है आपका मिमोसा। मिमोसा क्या है? एक सेंसिटिव प्लांट है, जिसको हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेंसिटिव होता है ना, वो सिकुड़ जाता है जब उसको टच करते हैं। उसके बाद है आपका मैग्नोलिया। मैग्नोलिया आपका एक फ्लावर है जो रात के टाइम पर खिलता है, ठीक है, एक ऐसा फ्लावर है जो कब खिलता है, वो केवल रात में खिलता है। फोर है आपका चिकन। जब जो चिकन है वो आपका जब ग्रो करता है तो वो एक हेन और कॉक में चेंज हो जाता है, ओके। उसके बाद है विनर ट्रैप्स। विनर फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, ये जो विनर फ्लाई ट्रैप होता है वो क्या होता है, वो एक मांसाहारी मतलब कि कीट भक्षी प्लांट है, जो अपने भोजन में अपने भोजन को बनाता नहीं है, बल्कि अपने भोजन में वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को शामिल करता है, ओके? तो इतना आज हमने कर लिया है। हम आप देखिए अब आपको आगे क्या करना है, इतना पीछे जो वर्क दिया हुआ है, जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, साथ में लेटेस्ट एंजॉय दिया है, ये आपको अपने से ही करना है। मैं इसमें बता दे रही हूँ क्या करना है, बाकी आप अपने से इसको अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला आपका है फिल अप द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट। आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसको आपको खुद से फिल करना है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? सबसे पहला टॉपिक हमने ग्रोथ पढ़ा था, तो सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा, मूवमेंट था, तो मैं यहाँ मूवमेंट फिल करेंगे। थर्ड टॉपिक था फूड, और फोर्थ टॉपिक क्या था आपका, स्टिम्यूलस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे, और इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हिंट दे दिया गया है और आपको यहाँ पे ऐसे फिल करना है। जैसे जो प्लांट्स होते रिप्लाई देते हैं ना, किसके जो रिप्लाई देते हैं वो क्या होता है, देखिए सेकंड नंबर है तो सेकंड आपका यहाँ है, ठीक है, आपका यहाँ सेकंड नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे सेकंड नंबर देख लेंगे। इसके बाद इसमें देखिए हिंट दिया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो प्लांट्स रिस्पांस देते हैं किसके, कैसे रिस्पांस देते हैं, स्टिम्यूलस के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टिम्यूलस हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे नंबर दिया हो रहेगा, आप अपने नंबर को ढूंढ लेंगे, साथ में उसका हिंट दिया होता है, जैसे दिस फ्लावर ब्लूम एट नाइट, ये जो फ्लावर है वो नाइट के टाइम खिलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नोलिया, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन को करेंगे। तो जितना आज पढ़ाया गया पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए अपने बुक में, अपनी कॉपी में, ठीक है।